सो वी आर स्टार्टिंग विद बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से मॉडल पढ़े? अभी तक हमने पढ़ा जे जे थॉमसन मॉडल, जो कि मैंने तुम्हें दिखाया था। ठीक, ये ऐसा कुछ बताया था उन्होंने कि एटम एक इसकी तरह होता है, वाटरमेलन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है बीच में। ठीक, ये फेलियर हो गया था क्योंकि ये स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में कुछ नहीं बता पाया था, ये अल्फा स्कैटरिंग के बारे में कुछ नहीं बता पाया था, इसलिए फेल हो गया। फिर रदरफोर्ड ने इस अपॉर्चुनिटी को फड़ लिया। ठीक है, और क्या करा, खुद से एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस तो खाली होता है, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होके सेंटर पे होता है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट, ये बताया था फिर उन्होंने। तो जो मॉडल ये था, ये वाला जो मॉडल था, ठीक है, इससे ट्रांसफॉर्म होके मॉडल बन गया ये, एटम का मॉडल बन गया ये। ठीक है, मतलब बीच में न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये गिर क्यों नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, सो इस चीज को नहीं बता पाए वो, ठीक, कि एटम क्या हो जाना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए एटम अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी। ठीक, तो जब ऐसा पूछा गया तो कुछ नहीं बता पाए। फिर आए बोहर। बोहर ने बोला इस कमी को मैं दूर करूंगा और मैं दूंगा फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, फाइनल मॉडल मेरा ही होने वाला है। उन्होंने क्या करा, देखो ध्यान से देखना। ठीक, बोहर का मॉडल पढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो चीज है वो है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है, क्या कंडीशन थी ये? ठीक, देखो उसने बहुत सिंपल सी बात बताई थी। अच्छा एक बात बताओ, डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, किसी को याद है कि डी ब्रॉगली ने क्या बताया था ड्यूअल नेचर के बारे में? एनीबडी? चलो मैं ही बता देता हूँ। मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके चारों तरफ, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे करके। सो डी ब्रॉगली ने ये बताया था, हर वो चीज जिसकी जिसका मास होता है, ठीक है, हर वो चीज जिसका मास होता है वो किसकी तरह बिहेव कर सकती है, वेव की तरह बिहेव कर सकती है अगर वो चले तो। ठीक, और ये जो वेवलेंथ है ये सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करी गई है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ठीक है, मतलब वेव नेचर सबसे ज्यादा कौन दिखा सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब वो पार्टिकल जिन जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, वो वेव नेचर बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। ठीक, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक, तो उन्होंने कहा था ये इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह, किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, वेव में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसकी वेवलेंथ कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था अगर इसकी वेवलेंथ इसके इक्वल है, देखो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एक वेव की तरह ट्रीट होगा, ये देखो ये एक वेव बन गया है, ठीक है, ऐसे चल रहा है ये। ये देखो एक वेव बन गया ये, ठीक है। अच्छा ये जो वेव है, उन्होंने ये बोला कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहां पर उसकी वेवलेंथ पूरी की पूरी बन रही हो, ठीक है, मतलब एक वेवलेंथ के इक्वल हो, या तो उसका पाथ, ठीक है, सरकमफेरेंस या वन वेवलेंथ के इक्वल हो, या सरकमफेरेंस टू वेवलेंथ के इक्वल हो, या सरकमफेरेंस थ्री वेवलेंथ के इक्वल हो, अगर ऐसा है उसी ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मतलब सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन पहली बात तो एक वेव की तरह बिहेव करेगा, और वेव की तरह बिहेव करेगा तो वो वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब बताओ क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, अगर इसको रेडियस आर मान लूं, कि इसकी जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, सरकमफेरेंस यहां पर जो होगी वो इक्वल होगी किसके, एन लैम्डा के। ठीक है, ये एक वेवलेंथ बना रहा होगा ना, आप वेवलेंथ एक भी बन सकती है, दो भी बन सकती है, तीन भी बन सकती है, चार भी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ जो वेवलेंथ होगी वो एन लैम्डा के इक्वल होगी, राइट। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है, और ये एन लैम्डा हो गया, राइट। तो बेटा ये कंडीशन होती है किसकी, ये कंडीशन होती है उसके मूव करने की, इलेक्ट्रॉन को मूव करने की। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन दे एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा
या इसको भी छोड़ो, ऐसे कर लो, बताओ डी ब्रोगली ने क्या बताया था अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली, ठीक है, उन्होंने बताया था कि जब भी कोई चीज मास वाली मूव कर रही है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो वेव में कन्वर्ट हो जाती है। जिसकी वेवलेंथ कैसे गिवन होती है, जिसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। अरे ये मैंने ड्राइव कराया था नहीं कराया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ कराया था नहीं कराया था, कराया कराया था ना, तो बेटा देख लेना सब, ठीक है, क्योंकि सब तुम्हें करा रखा है, अब तुम्हें पढ़ना है, ठीक। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड, अब जरा इसको इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, पुटिंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इनटू फर्स्ट, बताओ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर और एन, ठीक है, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एच बाय एम वी, ऐसे करके आ जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान से बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई, इसको ऐसे लिखो, एम वी आर एन एच बाय 2 पाई, शफलिंग करके लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, एम और वी को इस तरफ ले जाओ और 2 पाई को नीचे ले आओ, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई बताएगा ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, एनीवन, किसी को याद है अभिनव, ये किसका फॉर्मूला है एम वी आर, मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, पी एंगुलर इंटू आर, मोमेंटम। हाँ बेटा पी इंटू आर होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक, एन एच बाय 2 पाई और ये इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम एल के, ठीक है, तो एल कितना है, एन एच बाय 2 पाई। सो देखो कितनी बढ़िया कहानी यहां से पता लग गई, बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, एन एच बाय 2 पाई, ठीक है, याद रखना, अकॉर्डिंग टू किसके, बोहर, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जहां पर उसके घूमने वाला मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम कितना हो, एन एच बाय 2 पाई। ऐसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता और ऐसी ऑर्बिट को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो देखो यहां पर ना सबसे पहली बात जो कौन सा था, रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कि ये घूम के किसमें गिर जाएगा, इसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस में, क्यों गिर जाएगा, क्योंकि ये लगातार अपनी एनर्जी क्या कर रहा था, एमिट कर रहा था। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम एन एच बाय 2 पाई है, तो वो कभी भी अपना एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ये बताया था बोहर ने, ठीक है, और ये कंडीशन कैसे आई है मैंने तुम्हें बता दिया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो एज ए वेव बिहेव करेगा, क्योंकि किसी भी चीज के दो नेचर हो सकते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, तो मैंने इसको वेव नेचर की तरह ट्रीट करा और एक कंडीशन बताई, ठीक है। सो देखो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो 2 पाई आर एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर पूरा पूरा वेव लेंथ होना चाहिए, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बनाएगा ना, ये या तो एक वेव लेंथ में पूरा कवर कर रहा होगा, या 2 वेव लेंथ में पूरा सर्कल कवर कर रहा होगा, या 3 वेव लेंथ में पूरा सर्कल कवर कर रहा होगा, ऐसे, ठीक। फिर डी ब्रोगली की इक्वेशन डाल दी इसमें और यहां से देखो एंगुलर मोमेंटम बता दिया एन एच बाय 2 पाई। तो ऐसे ऑर्बिट में जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये होगा, वो कभी भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, तो तुम्हें दिखाता हूं मैं, देखा ना, जरा ध्यान से देखना, एंगुलर मोमेंटम क्या बताया उन्होंने, एन एच बाय 2 पाई, एन की वैल्यू 1 पुट करो, ठीक है, बताओ एल कितना आएगा, एच बाय 2 पाई, ठीक है, एन की वैल्यू 2 पुट करो, बताओ एल कितना आएगा, एच बाय पाई, ठीक है, एन की वैल्यू 3 पुट करो, बताओ एल कितना आएगा, कितना आएगा, 3h/2π, ठीक है। तो बेटा ये सारी स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, दीज आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और ऐसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ऐसा समझ लो उसे अपना ससुराल मिल गया है, ठीक है, वो वहीं रह गया है, ठीक। सो ऐसा मैं कह सकता हूं, जरा ध्यान से देखना, न्यूक्लियस है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये प्लस जेड ही है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ये मैंने बना दी पहली ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक, इसके बाद मैंने बना दी दूसरी ऑर्बिट, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बना दी तीसरी ऑर्बिट, ठीक।
सो ये n इजकल टू 1 है, ये n इजकल टू 2 है और ये n इजकल टू 3 है। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और बहुत अच्छे से मूव कर पा रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर उसका मोमेंटम कितना होगा भाई, एंगुलर मोमेंटम पहली ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, एच बाय टू पाई, एच बाय टू पाई। ठीक है, दूसरी यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है और ऐसे मूव कर रहा है तो यहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, एच बाय पाई। और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, थ्री एच बाय टू पाई। देखो ऐसे करके होना चाहिए एंगुलर। तो बेटा अगर ऐसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कभी भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ऑलवेज रिमेम्बर दिस पॉइंट। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। अच्छा एक बात बताओ, एच बाय टू पाई और एच बाय पाई के बीच कितनी ऑर्बिट्स होंगी, बहुत सारी ऑर्बिट्स होंगी। देखो सबसे पहले तो एक बात ये कंफर्म करो, अपने दिमाग को समझाओ कि कितनी ऑर्बिट्स होती हैं एक एटम की, बताना कितनी ऑर्बिट्स पॉसिबल है एक एटम की। अबे कितनी ऑर्बिट्स हो सकती हैं एक एटम की, तीन तीन अबे इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब ये मान लो हजारों सैकड़ों ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो मूव इलेक्ट्रॉन किसमें करेगा, सिर्फ इन वाली ऑर्बिट्स में, क्योंकि इन वाली ऑर्बिट्स में ही एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है, ये वाला एंगुलर मोमेंटम जस्टिफाई हो पा रहा है। और जहां पर ये वाला एंगुलर मोमेंटम जस्टिफाई होगा वो ऑर्बिट्स क्या होंगी, स्टेशनरी ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। देखो अगर मैं एन की वैल्यू मैंने 1 पुट करा तो ये आ गया, एन की वैल्यू 2 पुट करा तो ये आ गया, एन की वैल्यू जरा हाफ पुट करो, ठीक है, 1 और 2 के बीच क्या होगा, यहां पर एन की वैल्यू कितनी पुट करो, मान लो 1 और 2 के बीच क्या होगा, 3 बाय 2 होगा ना, मतलब हाफ होगा। सो जरा एल यहां पर पुट करो तो बताओ क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एन की वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा 3 एच बाय 4 पाई। सो बेटा याद रखो ये वाली जो ऑर्बिट है ये स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट सिर्फ कब मिलेंगी, जब एन की वैल्यू हम किसमें रखेंगे, इंटीजर में रखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ये वाली ऑर्बिट भी यहां पर प्रेजेंट होगी, ध्यान से देखो ये वाली ऑर्बिट भी यहां प्रेजेंट है, देखो ये वो ऑर्बिट है, ये वो ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इतना होगा, 3h बाय 4 पाई। लेकिन बेटा ये स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, और कहां पहुंचना चाहेगा, स्टेबल ऑर्बिट में, ठीक है। तो याद रखना कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट होती हैं, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट कि ये वाली स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, ये वाली, ठीक है, दीज आर द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी रिलीज नहीं होती, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, और यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होती, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहीं पर मूव करता रहता है, स्टेबल फील करता है, राइट, और यहां पर अनस्टेबल फील करता है ऐसी ऑर्बिट्स में। तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही क्यों ऐसी ऑर्बिट से, वो तो ऐसी स्टेबल ऑर्बिट्स में ही घूमेगा। समझ में आ गई बात या नहीं? आ गई सर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, याद रखना, इसी को बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है, याद रखना क्वांटाइजेशन कंडीशन है, इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं बोहर्स पोस्टुलेट, ठीक है। सो ये तो पहली चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए बोहर के बारे में, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अनस्टेबिलिटी की, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है वो कभी न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, राइट। तो चलो ये बात समझ में आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं और बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और उसको पढ़ने के लिए हमें बोहर्स पोस्टुलेट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बोहर्स पोस्टुलेट। और बताना ये समझ में, ये यही चीज समझनी है, ठीक है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा एटम के ऊपर, तो बोहर्स पोस्टुलेट समझ लो। देखो पहला पोस्टुलेट क्या था बोहर का, अच्छा तुम्हें नोट्स तो मिल गए ना, हाँ सर मिल गए, अरे मैंने नोट्स भेजे मिल गए, ठीक है, प्लस जेडी। देखो
पहले पॉस्टुलेट में मतलब पहला पॉस्टुलेट मतलब होता है जो हाइपोथेसिस करी थी, मतलब जो एक गैस करा था, ठीक है। वो क्या गैस करा था बोअर ने एटम के बारे में, कि बेटा जो न्यूक्लियस होता है ना इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ये बात तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ऐसे। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा तो वहां पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स होगा या नहीं होगा? देखो सर्कल में घूम रहा है ना ये, और जो भी चीज सर्कल में घूमती है वहां पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स आ जाता है। देखो ऐसे करके यहाँ पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स आ जाता है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन जब भी ऐसी ऑर्बिट में घूमता है तो एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। कहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है? सेंटर की तरफ, ठीक है। अच्छा ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कौन कराएगा? अब तुम बोलोगे प्रोवाइड कैसे होता है? मान लो तुम्हारे हाथ में एक स्टोन है, तुमने उसको स्ट्रिंग से बांध दिया और ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो बताओ जब वो स्टोन गोल गोल घूमेगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा सेंटर पे या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो जब वो सेंटर पे फोर्स लग रहा है तो उसको लगवाने में हेल्प कौन कर रहा है? उस स्ट्रिंग की टेंशन। अगर टेंशन नहीं होगी स्ट्रिंग में, ठीक है, खिंचाव नहीं होगा स्ट्रिंग में, क्या वो पत्थर गोल गोल घूम सकता है? नहीं घूम सकता। तो बेटा सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा ना प्रोवाइड कराया जाता है किसी और फोर्स के द्वारा। तो यहां पर ये जो गोल गोल घूम रहा है वो घूम रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पे चार्ज पॉजिटिव है, इस पे चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसकी वजह से इसको घूमना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये रेस्ट में हुआ तो ये तो खिंची नहीं जाएगा इसकी तरफ, इसलिए बेटा इसको ये प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना पड़ेगा इसके चारों तरफ, ठीक है। सो जो भी सेंट्रीपेटल फोर्स आता है इस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, वो प्रोवाइडेड होता है किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सो दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट, ठीक है। सो फर्स्ट पॉस्टुलेट में क्या लिखा उन्होंने? एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स। जब तुम एमएससी में जाओगे ना तो तुम्हें पता लगेगा ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होती नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, एंड एक्सपीरियंसेस ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, विच इज प्रोवाइडेड बाय विच फोर्स? विच इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? किससे प्रोवाइड होता है? कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे करके, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या होगा, दैट इज मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, ठीक है, वो किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आ रहा है। मतलब जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है mv2/r, 11th में करा हुआ है हमने, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? k q1 q2/r2। तो q1 किसका चार्ज है? न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? ze। तो यहां मैं लिख रहा हूं प्लस ze, ठीक है, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? r2। सो बेटा ये बात याद रखना कि mv2r इक्वल होता है किसके? kze2/r2 के। ये बात पल्ले पड़ गई? बताओ। यस सर, पड़ गई। ठीक है, बहुत सिंपल। अबे यहाँ मुझे समझ में नहीं आता, सिर्फ प्रकाश ही है क्या और तुम सब नहीं हो, या तुम सब बड़ी ध्यान से सुनते उसको? हद हो गई है, एक ही बच्चे का जवाब आता है हर बार। ठीक है, दूसरा पॉस्टुलेट देखो। अब दूसरा पॉस्टुलेट मैं बता रहा हूं, सेकंड पॉस्टुलेट। सेकंड पॉस्टुलेट वही है जो मैंने तुम्हें अभी बताया, जस्ट अभी बताया, ये है सेकंड पॉस्टुलेट। ठीक है, सेकंड पॉस्टुलेट है एन इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus
इन ओनली दोज ऑर्बिट्स, इन ओनली दोज ऑर्बिट्स वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम, वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, एंड इज गिवन बाय एल इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, ठीक है बेटा, इसी ऑर्बिट में मूव करता है, ऐसी ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाए, एन एच बाय टू पाई, ठीक है, इसके अलावा वो मूव नहीं करेगा। थर्ड पॉस्टुलेट क्या था? थर्ड पॉस्टुलेट बहुत सिंपल है, ठीक है, थर्ड पॉस्टुलेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन ऐसी ऑर्बिट में मूव करता है जहां उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एनएच बाय टू पाई। और बेटा ऐसी ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक। सो थर्ड पॉस्टुलेट था स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, दोज ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है, एंड फील्स स्टेबल इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, इसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। और स्टेशनरी ऑर्बिट कहां पाई जाएगी, जहां पर एंगुलर मोमेंटम कितना हो, एन एच बाय टू पाई, ठीक। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ पॉस्टुलेट। अच्छा, ये फोर्थ पॉस्टुलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ये सर वो तो सेकंड था ना, कौन सा ऊपर वाला, ये अरे ये तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में, लेकिन ये पर्टिकुलरली स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में बता रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, कि स्टेशनरी ऑर्बिट नाम की चीज होती है। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम बताया है और यहाँ पर इसी का कंक्लूजन लेके स्टेशनरी ऑर्बिट बताया, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिनारियो बना इसके मॉडल को लेके वो स्टेशनरी ऑर्बिट की वजह से ही बना है। अगर स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं बता पाता तो बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम क्या कर रहे थे, फोर्थ पॉस्टुलेट। सो बेटा फोर्थ पॉस्टुलेट क्या था, बहुत सिंपल पॉस्टुलेट है ये। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, न्यूक्लियस है जिसका चार्ज प्लस जेड ही है, सो ये पहली ऑर्बिट होगी, ठीक है, ये दूसरी ऑर्बिट होगी, ये तीसरी ऑर्बिट होगी, ये चौथी ऑर्बिट होगी, है ना, ऐसे करके होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें से ग्राउंड स्टेट वाली ऑर्बिट कौन सी है, ग्राउंड स्टेट कभी नाम सुना है ग्राउंड स्टेट का, वन वाली, ठीक है, तो बेटा ये जो वन वाली है इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अच्छा, इसको ग्राउंड स्टेट पता है क्यों कहते हैं, बताओ क्यों कहते हैं इसको ग्राउंड स्टेट, सबसे नीचे वाली होती है। अबे हाँ होती तो है, ले तो पता चल रहा है ग्राउंड स्टेट, लेकिन ग्राउंड स्टेट क्यों है ये, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है। अरे वो तो दिख ही रहा है। और बताओ, और ग्राउंड स्टेट क्यों है ये, इसको ग्राउंड स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस यही वो ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है बेटा, इस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस ऐसी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मान मत लेना कि यही एनर्जी है, मैं अभी प्रूव कराऊंगा इन सबकी एनर्जी कैलकुलेट करवाऊंगा, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, सेकंड में क्या होती है, थर्ड में क्या होती है, फोर्थ में क्या होती है, ठीक। तो लेस सपोज कर लो यहाँ पर इसकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन, अगर इस ऑर्बिट में होगा तो इस ऑर्बिट की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर जो एनर्जी है वो मान लो होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो मान लो कितनी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान लो, अभी कितनी एनर्जी होती है ये अभी मैंने बताया नहीं है, ये मैं लेट कर रहा हूँ, तो ये मान लो ये है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बेटा बताना इलेक्ट्रॉन कहाँ सबसे ज्यादा अनस्टेबल फील करेगा, ग्राउंड स्टेट में या ऊपर वाली स्टेट्स में, ग्राउंड स्टेट में अनस्टेबल, अरे
अबे एक चीज याद रखो, अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट जिसके पास ज्यादा। अच्छा तुम क्या सोचते हो, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी पसंद है या कम एनर्जी पसंद है, तुम्हें क्या लगता है? कम एनर्जी। बेटा इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी ना तो वो एक्साइटेड रहता है, मतलब हमेशा इधर उधर रैंडम मोशन करता रहेगा, ठीक है। लेकिन उससे जितनी एनर्जी छीन लोगे वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, एक जगह बैठा रहेगा। तो स्टेबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। याद रखना जिस इंसान के पास जितनी कम एनर्जी है वो उतना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे हायर ऑर्बिट्स में जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मतलब उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कहाँ फील करेगा, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। हाँ अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो ये भैया हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो भाव है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एनर्जी कितनी है इस ऑर्बिट में, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर उनकी एनर्जी कितनी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सबकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेट अस सपोज, ये मैं सपोज करके बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से नीचे वाली ऑर्बिट्स में आना है, इस वाली ऑर्बिट्स में आना है, ग्राउंड स्टेट में आना है, तो बताओ इसको क्या करना पड़ेगा? सर एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी इसको अपनी, एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी भाई। वो रूल भी तो यही है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आना है तो एनर्जी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा इसकी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा अपने में से, लूज करेगा। क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लूज कर देगा, किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी लूज कर देगा, ठीक है। और वो जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, जल्दी बताओ फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है या नहीं होती है, बताया था नहीं बताया था ड्यूअल नेचर में, बताया था, ठीक है। तो बेटा इस फॉर्म में ये हमारा फोटोन है, ठीक है, ये फोटोन रिलीज हो रहा है, एनर्जी फोटोन की फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताना क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एनर्जी रिलीज होने के लिए, कि ई टू में से जो फोटोन की एनर्जी है, ऐसे एनर्जी ऑफ फोटोन, जो भी फोटोन निकल रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो भी फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ठीक है। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, अभी मैंने बताया एनर्जी ऑफ फोटोन होता है ई इक्वल टू एच न्यू, और यही किसके इक्वल होगी, इस ऑर्बिट्स के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उस उतना ही तो एनर्जी का ऑर्बिट निकलेगा, फोटोन निकलेगा, मतलब ई इनिशियल ई एफ। ये बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी रिलीज का, ठीक है। जब भी फोटोन एनर्जी रिलीज करेगा तो ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखेंगे हम, बताओ बात सही है या नहीं? सही है, आ गया समझ में, क्लियर है, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताओ, हमेशा क्या इलेक्ट्रॉन हमें नीचे भेजना रहेगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन को हमें ऊपर भेजना रहेगा? हो सकता है, ठीक है। तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन को हमें ऊपर भेजना है, अब क्या करेंगे बताओ, एनर्जी देंगे उसको। हाँ तो बेटा इस ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो तुम्हें ये नहीं लगता हम इसके ऊपर फोटोन फेंक के मारेंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, क्यों? हाँ फेंक के मारेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर फोटोन फेंक के मारा 2 इलेक्ट्रॉन वाला, इसने एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर ली, और जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, बताओ बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस केस में मैं इस फोटोन की एनर्जी क्या लिखूंगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तभी तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा याद रखो जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब की बात आती है तो यही फॉर्मूला हो जाता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ऐसे करके ये एनर्जी एब्जॉर्ब का फॉर्मूला है। अरे सही है, समझ में आ गया, ठीक है। यस सर, याद रखना हमेशा बड़ी एनर्जी में से छोटी एनर्जी ही माइनस होगी, तो रिलीज वाले केस में इनिशियल वाली एनर्जी बड़ी थी और फाइनल वाली एनर्जी छोटी थी, तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल करा था, लेकिन देने वाले फोटोन जब इसको एनर्जी देगा उस केस में फाइनल एनर्जी बड़ी है और इनिशियल एनर्जी छोटी है, तो इसीलिए फाइनल में से इनिशियल माइनस करा है। अरे ये बात पल्ले पड़ जानी चाहिए तुम्हें, ठीक है। अगर ये चार अगर ये चार पॉस्टुलेट समझ में आ गए तो अब ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, मजाक है ये चैप्टर अभी।
करें अब ये चैप्टर आगे। चलो यस सर। यस सर। हाँ आगे बढ़ते हैं सर। हाँ दोबारा ज्वाइन करा लो फिर। हाँ दोबारा ज्वाइन कर लो। चलो रीजॉइन, दोबारा रीजॉइन कर लो। कित कौन भाग गया यहाँ से? अबे तुम एक घंटा नहीं बैठ पाते यार। हद हो गई। हारिश गया हुआ है। हारिश चला गया।